मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हमारी लास्ट या फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट मानते हुए फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन ऑफ नियरली 63 एलिमेंट्स इनटू 8 ग्रुप्स मेंडलीफ का मेन रोल था. मेरिट्स देख लिए, डीमेरिट्स देख लिए, क्लियर. आज हमें पढ़ना है हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है. ठीक है, आज की पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है बेसिकली, या ये कहें बेस्ड तो एटॉमिक नंबर पे है, लेकिन पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल वो ब्लॉक्स में है. तो कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की पीरियोडिक टेबल का. ठीक है, तो आज का पहला पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज बेटा ब्लॉक्स में पढ़ना है. एस पी डी एफ चार ब्लॉक्स में है, लेकिन टोटल 7 पीरियड है. तो 7 पीरियड्स, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या सिंपल पीरियोडिक टेबल एक ही बात है, 7 पीरियड्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ये चलिए चेक करते हैं. ठीक है, 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियड नंबर 1, एक बारी एक छोटा सा स्केच देखते हैं, इसे अभी मिटा दूंगा, इसे हटा दिया जाएगा. ये हमारा एक छोटा सा स्केच, ध्यान रखना है आपको. ठीक है, और यहाँ फर्स्ट पीरियड है, तो ये मैं अभी हटा दूंगा, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए इसमें बेटा. ये हमारा पीरियड टेबल का एक ओवरलुक है, ऐसा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल का. ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम. ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड. सेकेंड और थर्ड पीरियड में इस ब्लॉक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक. तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट हैं, जिसमें 2 एलिमेंट यहां हैं बच्चों और 6-6 एलिमेंट यहां से यहां है. तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में एस ब्लॉक से स्टार्टिंग होके बीच में डी होते हुए आखिरी में पी भी गया है. दैट मींस यहाँ एस में भी इलेक्ट्रॉन है, पी में भी इलेक्ट्रॉन है और डी में भी है. डी में 10 आते हैं, पढ़ चुके हो, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, यानी 18. तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है. सिक्स्थ पीरियड बेटा, इस सिक्स्थ पीरियड में यहां वाला जो एलिमेंट है ना, दैट इज 57 एटॉमिक नंबर, उससे यहां 14 एलिमेंट नीचे रखे हैं. कहने का मतलब ये वाले 14 एलिमेंट और एक ये 15, इनकी पोजीशन एक ही है. इन 15 के 15 को एक ही जगह रखना है, सिमेट्री बेकार हो जाएगी. एक जगह 15 दिखाएं कैसे, तो वही है कि एरो लगा के यहां लिख दिया है. ऐसे ही यहां पे भी है, यहां पे भी 15 एलिमेंट आएंगे, 14 नीचे एक यहां. तो ये एक पीरियोडिक टेबल का ओवरलुक हो गया. ठीक है, आपको ये ओवरलुक ध्यान में रखना है, और मैं इसको अभी थोड़ा उधर डिस्प्लेस कर दूंगा, तो आप ओवरलुक को ध्यान रखेंगे. तो पीरियड नंबर 1, फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2. ठीक है, तो पहले कॉलम में क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, पीरियड नंबर, यहां लिख रहे हैं पीरियड नंबर. सेकेंड कॉलम में क्या लिख रहा हूं, टोटल एलिमेंट. ठीक है, टोटल एलिमेंट 2 है बेटा. यहां लिख रहा हूं स्टार्टिंग एलिमेंट और बाद में एंडिंग एलिमेंट. तो स्टार्टिंग एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, एंडिंग एलिमेंट हीलियम है, और इनके एटॉमिक नंबर भी लिख दिए हैं. और ये पीरियड कहलाता है वेरी शॉर्ट. इस पीरियड को बच्चों कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड. सेकेंड पीरियड बच्चों, जो सेकेंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, उसमें 8 एलिमेंट है. छोटा सा पिक्चर बना है, आपको दिख ही रहा है. इसका स्टार्टिंग एलिमेंट आपका ऑब्वियसली सेकेंड पीरियड का यहां वाला मेंबर होगा, इट इज एटॉमिक नंबर 3, लिथियम. और एंडिंग एलिमेंट होता है नियॉन, विच इज एटॉमिक नंबर 10. तो ये 3 से 10 है. ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी यही कहानी है बेटा. ये स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, और हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा यही पीरियड आपका यूज होगा, एटॉमिक नंबर 11, और एंड होगा आर्गन पे, एटॉमिक नंबर 18. और ये जो सेकेंड और थर्ड पीरियड हैं, दे आर टर्म्ड एज शॉर्ट पीरियड्स. ठीक है,
सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर टर्म्ड एज शॉर्ट पीरियड। अब बड़े बदतमीज टाइप के प्राणी, अरे बड़े बदतमीज है, हटाओ बदतमीज कर रहे थे, हट नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये रहा बेटा फर्स्ट पीरियड विच इज वेरी शॉर्ट, ये रहा हमारा सेकेंड पीरियड, दिस इज दीज टू आर टर्म्ड एज शॉर्ट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड नंबर फोर, जो बेसिकली 18 एलिमेंट्स हैं यहां, स्टार्ट विद पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, एंड्स विद क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, ये 19 टू 36 है। एंड फिफ्थ पीरियड ऑल्सो हैव 18 एलिमेंट, starts with rubidium 37 and ends with xenon 54। ठीक है, ये हुआ पांचवा पीरियड, और हमें सात पीरियड तक ही लिखने हैं, तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लें यहां पे, या गो चलो पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। एक आध ना कल्प्रिट केमिस्ट्री में हमेशा रहता है। सिक्स्थ पीरियड बेटा, सिक्स्थ पीरियड हैव 32 एलिमेंट्स, और इसकी स्टार्टिंग जो है दैट इज एटॉमिक नंबर 55 से है, 55 जानते हो ना, सीजियम। और बच्चों इसकी एंडिंग कहां है, आर एन रेडॉन विच हैज एटॉमिक नंबर 86। सेवेंथ पीरियड को आप इनकम्प्लीट भी कह सकते हो, ये दोनों आपके लॉन्ग पीरियड थे, और ये हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है, एंड सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट। कह लेते हैं 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 20, 21 व्हाटएवर, बाकी डिस्कवर हो ही रहे हैं, और ये स्टार्ट हो रहा है फ्रेंशियम पे, फिलहाल तो इसका एंडिंग पता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसकी एंडिंग जो होगी दैट विल बी एटॉमिक नंबर 118। ठीक है, ये 118 पे एंडिंग होगी, जिसे यू यू ओ कह सकते हैं, वॉट एवर, जो हमें सीखना है वो ये नहीं है। ये मैंने खाली सारे पीरियड्स के नाम या जो इनका डेजिग्नेशन है वो लिख दिया है, समझना क्या है वो है कॉन्फ्यूग्रेशन बेस्ड। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट पीरियड में तो चलिए कोई बात ही नहीं है, दो ही एलिमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन आएगा तो आप 1s1 या 1s2 लिखेंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए 1s1 लिखेंगे और हीलियम के लिए 1s2 लिखेंगे। नाउ अगर आपको एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड पीरियड, ध्यान से देखिए, अगर आपको सेकेंड पीरियड में किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पॉइंट टू नोट, इसे नोट कर लीजिए, काम में आएगा, सेकेंड पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हीलियम तक नहीं लिखेंगे, यानी ये 1s2 नहीं लिखना है, हीलियम तक नहीं लिखेंगे, उसके बाद 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वॉट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहां भरेंगे। तो इनर्ट गैस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सीखना है आज आपको, ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर 3 से 10 तक, सपोज आपको एटॉमिक नंबर 9 लिखना है, अगर 9 लिखना है तो अभी तक आप ये लिखते आए हैं 1s2 2s2 2p5, और अब मैं कह रहा हूं हमारा जो नया मेथड है, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें ये नहीं लिखना, इसकी जगह खाली हीलियम लिख देंगे और 2s2 2p5 करेंगे, ये आपको तरीका यूज करना है, यानी पिछली नोबल गैस तक का कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं दिखाएंगे, ये हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा, पिछली नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाना है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाएगा, या जो इंपॉर्टेंट है जिस पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये 1s2 की जगह हीलियम लिख के बच जाएंगे। हाँ बेटा श्रेया पूछिए जल्दी से। सर हम सारे इनर्ट गैसेस में हीलियम लिखेंगे? नहीं आ रहा है, मैंने अभी 3 to 10 ही तो बोला आपसे, अगर 3 to 10 है तो ये काम करना है, अगर एटॉमिक नंबर 3 to 10, जैसे ये 9 मैंने लिया तो इसमें ये करना है, इज इट क्लियर?
और एक कॉमन सेंस की बात करो बच्चों कि यहां 1s2 आपने गायब किया, 1s2 की जगह हीलियम लिखा है, तो जो भी पिछली इनर्ट गैस है उसको वहां तक हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और एक आध बच्चे को अभी लिख थोड़ी देर के लिए लगेगा एक आध बच्चे को कि यार जहां हम इसका लिख रहे हैं वहां हीलियम की जगह 1s2 और लिख लेंगे, नहीं हीलियम शब्द लिखने की जगह 1s2 लिख लेंगे, क्या जा रहा है। एक आध बच्चे को लग रहा हो कहां आसान हुआ, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा यार मजा आ गया, ये तो बड़ी जल्दी हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब अगर आपको एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक लिखने हैं तो कंसेप्ट क्या आया। अगर आपको 11 से 18 तक लिखने हैं, ध्यान से देखिए बेटा, 11 से 18 तक लिखने हैं तो आप नियॉन तक नहीं लिखेंगे। जैसे 3 से 10 तक लिखने थे तो मैंने क्या कहा था, हीलियम लिख दो, हीलियम तक नहीं लिखना। ऐसे ही 11 से 18 तक लिखने हैं, वेरी गुड, तो 11 से 18 तक लिखने हैं तो यहां लिखेंगे नियॉन। अच्छा बेटा नियॉन कौन से पीरियड की इनर्ट गैस है, सेकंड पीरियड की, ये देखो ना ये सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस है नियॉन, तो आपने सेकंड पीरियड तक तो नहीं लिखा, तो इसका मतलब अब कौन सा पीरियड आएगा, थर्ड, तो अब आपको यहां 3s3p लिखना है। यानी 11 से 18 तक अभी तक कैसे लिखते हैं, मान लो आपको 17 का लिखना है तो अभी आप ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है 17। अब जो मैं कह रहा हूं वो ये कि यहां तक नहीं लिखना है, यहां तक एक इनर्ट गैस नियॉन हो गई है, आप नियॉन लिख दीजिए और 3s2 3p5 लिख दीजिए, यानी पिछली इनर्ट गैस तक शो करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो पहले खाली 1s2 बच रहा था, अब 1s2 2s2 2p6 इतना नहीं लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर जो बोर्ड पे बना हुआ है वो है बेटा ये ऑर्डर जरा कायदे से याद करिए, ये कि कब आता है हीलियम 2s2p, कब आता है नियॉन 3s3p, और मैं जर्न थोड़ा सा कलरफुल जानबूझ के कर दे रहा हूं, हीलियम 2s2p कब आता है, जब एटॉमिक नंबर 3 से 10 लिखने हो। कब आता है ये दिस वन 3s3p, जब एटॉमिक नंबर 11 से 17 या 18 तक लिखना हो तब ये करते हैं, आगे तो और मजा आएगा। देखिए अब अगर आपको एटॉमिक नंबर 19 से शुरू करके 36 तक ले जाना है, इफ यू वांट टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 19 टू 36, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो 19 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है, आर्गन, तो बेटा यहां आर्गन लिख लीजिए, आर्गन तक लिखने की कोई जरूरत नहीं। आर्गन के बाद क्या आएगा जरा सोच के देखना, हीलियम नियॉन आर्गन, यानी तीन पीरियड खत्म हो गए, हीलियम नियॉन आर्गन तक तीन पीरियड खत्म हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है 4s 3d फिर 4p, पहले 4s फिर 3d फिर 4p, तो आर्गन के बाद 4s 3d 4p। जो बच्चे भूल गए हो उनको मैं एक बार फिर टेबल याद दिला दूं, ये थी हमारा फोर्थ पीरियड, और बेटा ये फोर्थ पीरियड में ये रहा 4s, और 4s में d अंदर वाली शेल का लिखा जाता है 3d और फिर 4p, तो यहां से भरना शुरू करते हैं तो 4s 3d 4p ऐसे भरा जाता है। फिलहाल उस पे इतना फोकस मत करिए, अभी इस पे फोकस करिए कि यहां पे आर्गन 4s 3d 4p आएगा। नाउ अब होपफुली फिफ्थ पीरियड को आप खुद कर लें तो बहुत अच्छा है, और फिफ्थ पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमने ये कह दिया है बेटा फिफ्थ पीरियड के लिए, पहले मैं इसे लिख दूं, ये 19 टू 36 के लिए है, 19 टू 36। अगर आप 37 से शुरू करके 54 तक लिखना चाहते हैं, 37 टू 54 जेट ब्लैक, ओके 37 टू 54, तो क्या करें, पिछले पीरियड की इनर्ट गैस लिख दें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद क्या लिखेंगे, 5s 4d 5p, जैसे ये याद किया है वैसे ये ठीक से याद करिएगा, और ये होगा एटॉमिक नंबर 37 टू 54, 37 टू 54। सपोज एक एग्जांपल से बताता हूं बेटा, मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एटॉमिक नंबर 50 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो पुराने जमाने का कॉन्फ़िगरेशन अगर कहें तो ये था 1s2s2p सो नहीं, अब नहीं, यहां 36 तक लिखना ही नहीं,
36 तक हो गया क्रिप्टॉन, और 36 के बाद क्या होता है 5s, तो ये 5s, 36 के बाद 5s, तो ये कितने हो गए भैया 38। फिर क्या आता है 4d, 38 और 10 48, फिर 5p, तो ये हो गया 52। तो 52 का कॉन्फ़िगरेशन कुछ आसान हो गया इसकी वजह से, अगर ये भी देखना पड़ता तो थोड़ा मुश्किल लगता। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इन कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है। आई होप सो क्लियर है। तो आपको आउटर मोस्ट ये पिछली इनर्ट गैस पे जाना है और पिछली इनर्ट गैस से ये आएगा। वेरी गुड बेटा, एक आध बच्चे ने अगला भी बता दिया, सिक्स पीरियड, यानी अगर 55 से 86 तक देख रहे हैं, ओबे यार चलो 55 से 86 तक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, वेरी गुड, इसका मतलब इन्हें एफ ब्लॉक की थोड़ी नॉलेज है। तो यहां हम लिखेंगे ज़ेनॉन, जरा ध्यान दीजिएगा, ज़ेनॉन के बाद हर पीरियड 6s से शुरू होता है, लेकिन यहाँ एफ ब्लॉक आएगा तो यहाँ 4s, 5d और 6p आएगा। पॉइंट टू नोट, 4s, 5d, फिर 6p, पहले 4f आता है, फिर 5d, फिर 6p। एंड सिमिलरली लास्ट पीरियड के लिए रेडॉन, rn, 7s, 5s, 4d, सॉरी 5f क्या, 6d, 6d और 7p, ये लिखना है 872118 के लिए। तो ये 872118 के लिए ये ऑर्डर याद करना है। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर 180, पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए। सर जब आगे होगा तो हम 1118 को लेंगे ना, नोबल गैस, 1118 नोबल गैस है, ठीक है आगे बोलो। नहीं सर मैं आगे पूछ रहा हूँ, जब आगे एलिमेंट आएंगे तो हम 1118 को लेंगे ना नोबल गैस। बिल्कुल 1119 का करने के लिए, नोबल गैस ही है ये, रहा नोबल गैस है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे बुक में, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप, एक क्वेश्चन है 119 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो बेटा 119 का एक बच्चा ये लिख सकता है कि यू, ये अभी बता दूंगा, यूयूओ 1118 को कहते हैं, और इसके बाद ये सेवेंथ पीरियड की इनर्ट गैस हो गई, तो एट्थ पीरियड शुरू होगा, हर पीरियड एस से शुरू होता है, तो 119 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया यूयूओ 8s1। तो वो बच्चा जो ये शॉर्टकट जानता उसके लिए ये है, और जो ये शॉर्टकट नहीं जानता वो लिख के पढ़ा 1s 2s 2p 3s 3p, वो तो आराम से मजे कर रहा है, फिर जब भूल गया तो फिर वो ये कर रहा है, बोले अब हम तीर चलाएंगे, हैं वो ऐसे पे तीर चलाएगा, फिर निकालेगा, फिर भरेगा, कोई जरूरत नहीं। तो अब आपको इनर्ट गैस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है, और इनर्ट गैस के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन का तरीका आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। 121 का जी आएगा ना वहां पे? हाँ जी बेटा फिर से बोलो। सर 121 के लिए 5G होगा ना वहां पे? वो आप बेफिक्र रहो, अभी आपके कोर्स में नहीं आना, 120 से ऊपर नहीं आएगा गारंटेड। तो आप 120 तक ही सीमित रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है, ठीक है, अभी हमारे पास 120 तक है तो 120 तक ही आएंगे, आगे नहीं आएंगे, लेकिन कह आप सही रहे हो, इसके आगे जी आता है आएगा नहीं। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अब आप लोगों के लिए हमारे आज की हेडिंग का नाम था बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आज हमें क्लासिफिकेशन करना है ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। देखिए बेटा इसमें पहला पॉइंट ये है, द लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंशिएटिंग कहलाता है, लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड, ये डिसाइड करता है कि ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। व्हाट आई मीन टू से, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया तो पी ब्लॉक है, एंड सो ऑन डी और एफ। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं बेटा, लेट सपोज हमने ये दिया है एटॉमिक नंबर 11, आपने 11 का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो तो इधर से, नहीं तो शुरू से, मतलब जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैं इसको 11 को ऐसे लिखूंगा नियॉन 3s1, क्योंकि मुझे अभी इनर्ट गैस पता है भाई, नियॉन एक इनर्ट गैस है एटॉमिक नंबर 10, तो ये 3s1 लिख दिया। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, ये एस सबशेल में आ रहा है,
दिस एलिमेंट विल बी टर्म्ड एज एस ब्लॉक. तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक. एस ब्लॉक कब कहलाएगा? तब आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में. तो ये लिखा है लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द ब्लॉक. वो ब्लॉक डिसाइड करेगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो क्या क्या रूल्स हैं? अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है बच्चों, तो उसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट शेल जो होगी ना, एन एस शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो, दो से ज्यादा आते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आइदर वन और टू. ये जो एन लिखा है ये बताएगा उसका पीरियड नंबर. इसका पीरियड नंबर एन होगा और इसका ग्रुप नंबर या तो वन होगा या टू होगा. कॉमन सेंस, अगर आउटर मोस्ट के एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर वन और दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर टू. फिर से देखिए क्या कह रहे हैं. ये रही पीरियोडिक टेबल, ये हमारा एस ब्लॉक है और ये हमारे पीरियड्स हैं इसमें, और ये ग्रुप वन है, ये टू है. सपोज किसी ने कह दिया 6s1, तो भैया हम यहां से गिनते चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6s, ये s है और 6s में दो होंगे कॉलम, एक वन एक टू. अगर उसने कहा 6s1 तो हमारा एलिमेंट 6 पीरियड में है, s1 में है, यहां एलिमेंट आए. तो ये एक तरीका है पीरियड और ग्रुप बताने का. तो एस ब्लॉक में, बोलो बच्चों, एस ब्लॉक में पीरियड और ग्रुप निकाल लेंगे हम. एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा. सबसे बेस्ट है आप इनर्ट गैसेस को याद कर लीजिए. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड यूयूओ. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54, रेडॉन 86 और यूयूओ 118. बच्चों जो भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर है ना, उसके अगले दो मेंबर, अगला और उससे अगला, अगले दो मेंबर एस ब्लॉक होते हैं. जैसे एटॉमिक नंबर 2 इनर्ट गैस हीलियम है, तो एटॉमिक नंबर 3 और 4 एस ब्लॉक होंगे. एटॉमिक नंबर 10 नियॉन इनर्ट गैस है, तो 11 और 12 एस ब्लॉक होंगे अगले शेल में. एंड सिमिलरली 19 एंड 20 आर एस ब्लॉक, 37 एंड 38 आर एस ब्लॉक, 55, 56 आर एस ब्लॉक, 87, 88 एंड लास्ट 119 एंड 120. तो पूरी पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर याद हो गए. कुछ नहीं करना, याद मत करना, इनर्ट गैस से याद करना, उसमें एक एक आगे जोड़ देना. तो एस ब्लॉक का आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा. चलिए चेक करते हैं एटॉमिक नंबर 88 का. उन्होंने कहा है ब्लॉक ग्रुप बता दो. ठीक है, तो 88 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको कहा है रेडॉन 86 लिखिएगा. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन. रेडॉन 6th पीरियड की इनर्ट गैस है, तो यहां 7th पीरियड शुरू होगा 86 to 88. क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया है, द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक. बेटा ये एस ब्लॉक है. एस ब्लॉक आने के बाद इसका पीरियड नंबर 7 है. ये नंबर पीरियड है, पीरियड नंबर 7 है. और इसका ग्रुप नंबर, बेटा ये 2 लिखा है, तो ग्रुप नंबर 2. तो एस ब्लॉक का एकदम सिंपल लॉजिक है, जो शेल नंबर है वो पीरियड नंबर है और जो एस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट ग्रुप नंबर है. शेल नंबर यहां 7 था, दैट इज पीरियड नंबर इज 7 एंड ग्रुप नंबर, क्योंकि एस में 2 है, ग्रुप नंबर इज 2. एनी डाउट इन एस ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल? एस ब्लॉक के किसी एलिमेंट की पोजीशन में कोई डाउट है, रेज योर हैंड और 1 or 2 जो भी टाइप करते हो करो जल्दी से. श्रेया, विजय क्लियर, मानसी क्लियर और बाकी. नो डाउट, संयम क्लियर, अलीशा क्लियर, ओके. बाकी तो क्लियर है नहीं है, फिर चेक करके बताऊं कौन कौन है. चलिए, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया मैं उनसे पूछ लेता हूँ. हाँ भाई तन्मय, मतलब स्पेशल ऑर्डर दें तन्मय जी.
तन्मय जी कह रहे हैं हम है ही नहीं, तुम जी लगाओ कुछ लगाओ है नहीं। अच्छा बाकियों ने, यश भाई तुमने भी जवाब ना दियो अभी तक है ना। भी थैंक यू। चलिए ठीक है बेटा, ये अब हुआ एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन का तरीका। एक एग्जांपल और बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए उन्होंने दे रखा है एटॉमिक नंबर 55, तो आपको 54 तक नहीं लिखना क्योंकि 54 एक इनर्ट गैस है, दैट इज ज़ेनॉन। ये याद कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा। 54 इनर्ट गैस ज़ेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस है, तो यहाँ सिक्स पीरियड आएगा। 54 के बाद वन ऐड करना है, 55 हो जाएगा, तो 6s लिखा जाएगा, 6s1। वेरी गुड। तो यहाँ पीरियड 6 है और ग्रुप 1 है, तो पीरियड एंड ग्रुप आ गया, पीरियड 6 ग्रुप 1। वेरी गुड। अब अगला बता रहा हूं पी ब्लॉक के लिए। अच्छा ये जरा ध्यान रखना, फॉर्मूले मिक्स मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो बस फॉर्मूला याद करते हैं, ये नहीं याद करते किस ब्लॉक के लिए किया। और ये गलती तुमसे होगी मैं बता रहा हूँ, जो पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये मिक्स नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एस ब्लॉक का फॉर्मूला ग्रुप निकालने का क्या है, एस में 1 तो 1, 2 तो 2। ठीक। नाउ पी ब्लॉक, नाम से क्लियर है पी ब्लॉक है ये। ठीक है, तुम में से कोई रहता तो नहीं पी ब्लॉक में? ठीक है, मतलब घर कहीं आसपास कहीं पी ब्लॉक में हो, ABCD करके ना, पी फॉर पागलों का ब्लॉक कहलाता है क्योंकि। ठीक है ओके। अब एक कोई बच्चा कहे सर मेरे घर का ब्लॉक बी है, हाँ तो वो प्रीशियस वाले लोगों का है, ये पागलों का है। ठीक है, अब बेटा पी ब्लॉक में क्या है उसे देखते हैं। पहला पॉइंट, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NP126। इनका ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में आएगा तो उसकी एस सबशेल में दो तो होंगे ही होंगे और उसकी पी सबशेल में 1 से लेके 6 तक होंगे। ठीक है, एक बारी पिक्चर देखते हैं बेटा। ये पी ब्लॉक की पिक्चर है। अब मेरा फोकस पी ब्लॉक पे है इसलिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा दिखाया है। तो ये जो पी ब्लॉक है इसका ग्रुप नंबर बेटा 13 से स्टार्ट होता है, यहाँ 13 है, आगे बढ़ते 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 यहाँ 18 है। तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 to 18 है। यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट है उसके पी में 1 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी वाले के पी में 6 है। तो जब पी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 13 है, और जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 18 है। तो कॉमन सेंस क्या है कि यहां का ग्रुप नंबर 1, मतलब पी में 1 तो ग्रुप नंबर 13, पी में 6 तो ग्रुप नंबर 18। एक आपके समझ में आना चाहिए भैया, पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें 12 ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर आता है। तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 12 ऐड करके आता है, 12 ऐड करने पड़ते हैं, याद रहेगा ना। हाँ वेरी गुड, एक आध बच्चा भावनाएं समझ रहा है मेरी। ठीक है कि 12 ऐड करना है, एक दर्जन ऐड करके तब ग्रुप नंबर बोलना है पी ब्लॉक में, पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड कर दो। ठीक है, बुक्स में क्या लिखा है, बुक्स में लिखा है कि पी के इलेक्ट्रॉन लीजिए, एस के 2 ऐड करिए और 10 और ऐड करिए। जब मुझे एस के 2 ऐड करने और 10 ऐड करने तो इकट्ठे में 12 ही ना कह दूं ऐड करो, मैं क्यों कंफ्यूज करूं बच्चे को, मैं सीधा कहूं पी के इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड। ठीक है, नाउ द एग्जांपल्स। अब जो कॉमन सेंस लेके बैठे हैं वो तो बहुत जल्दी एग्जांपल समझेंगे गारंटेड, लेकिन कॉमन सेंस वाले जो बहुत अनकॉमन लोग होते हैं, देखो बेटा पी ब्लॉक में या इनर्ट गैस के पिछले 6, इनर्ट गैस इंक्लूडिंग और पिछले 5, मतलब मिला के 6, ये पी ब्लॉक है। कॉमन सेंस यानी एटॉमिक नंबर 10 एक इनर्ट गैस है। ठीक है, अब ये मत कहना यार 2 से पीछे 6 जाओ, एटॉमिक नंबर 10 एक इनर्ट गैस है तो ये पी ब्लॉक है। तो 5 से 10 तक, क्योंकि 5 भी इंक्लूडेड है, ये सारे के सारे पी ब्लॉक होंगे। अब एक 18 इनर्ट गैस है इसके बाद, तो 13 से 18 तक पी ब्लॉक। ये कॉमन सेंस मैं कह रहा हूं लगाओ कि पी ब्लॉक में 6 आते हैं और पी ब्लॉक का आखिरी मेंबर नोबल गैस होती है, तो नोबल गैस और पिछले 5, टोटल ये 6 पी ब्लॉक में आएंगे। तो पी ब्लॉक का भी एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, जैसे एस ब्लॉक का याद हुआ था कि इनर्ट गैस के अगले 2 एस होते हैं, अगला और उससे अगला, ऐसे ही इनर्ट गैस के पिछले 6 इंक्लूडिंग इनर्ट गैस, पिछले 5 और इंक्लूडिंग इनर्ट, ये पी ब्लॉक है। इसके बाद कौन सा था, 36। 36 में पीछे क्या आएगा, 31। बेटा 31 से 36। ठीक है, नाउ 54, ठीक है 49, और दिस वन इज 86, 81,
एंड 118, तो 113। तो ये पी ब्लॉक के एक तरीके से एटॉमिक नंबर्स आ गए। बोलो बच्चों, क्लियर है पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर्स? अब इनमें से कोई भी एक एटॉमिक नंबर पकड़ के हम उसके ग्रुप और पीरियड नंबर निकालेंगे। वेरी गुड। देखिए, सपोज मैंने कहा एटॉमिक नंबर 16 का ग्रुप और पीरियड बताना है, तो अगर एटॉमिक नंबर 16 का निकालना है तो पिछली इनर्ट गैस नियॉन विच इज 10, पिछली इनर्ट गैस नियॉन विच इज 10, वहां तक तो लिखना ही नहीं है। और नियॉन सेकेंड पीरियड की है तो थर्ड पीरियड के एस में 2 आएंगे, थर्ड पीरियड के एस में 2 10 और 2 12 और पी में 4 आएंगे ना 16 के लिए, पी में 4। वेरी गुड। तो पीरियड नंबर इसका आ गया 3 और बेटा ग्रुप नंबर इसका आ गया, ये पी में कितने हैं 4 है ना, 4 में 12 ऐड कर दो 16, तो पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 16। एनी डाउट? गुड। एक दो और बताता हूं पहले, फिर हो जाएगा आपको क्लियर, जो भी एक दो बच्चों को नहीं आ रहा अभी। एक दो और देख लो, जैसे ये कह दिया, लेट सपोज थोड़ा बढ़ा के कर लेते हैं ना, एटॉमिक नंबर 117 के लिए कहा है, तो ये पी ब्लॉक है तो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी करके दिखाएंगे। बेटा इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी, यहां लिख ले रहे, एटॉमिक नंबर 117 से पिछली इनर्ट गैस कौन सी है, 86। तो 86 पे है इनर्ट गैस एडॉन, ठीक है, ये 86। इसके बाद 7s2 88, 4s14 102, 5d 10 112 एंड 5, थोड़ा गलत कर दिया ना, ये 5f आ रहा था, सॉरी पूरा हटा दो यहां तक, यहां बेटा आना था मेरा 5f 14, 6d 10 एंड 7p 86 88 102 112 5 170, ये आ रहा। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आया, The element belongs to P block because the last electron is in P subshell. आखिरी इलेक्ट्रॉन P subshell में है तो P block है। Now, P block के लिए period number कैसे निकालते हैं? तो period number का तो बेटा वही घिसा पिटा तरीका है, 7P5 सबसे लास्ट में भरा है, तो ये जो 7 लिखा है, this 7 is period number. Group number निकालने के लिए P के इलेक्ट्रॉन में 12 add करते हैं, और इसलिए period number 7, group number 17. हाँ भैयो, किसी को डाउट है तो जल्दी बताइयो। सर अगर पूछा जाए हमसे कि अगर आप बता दो इसका, तो सर हमें ऐसे शो करना पड़ेगा या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 117 का पूछा तो 118 पे गैस है, डायरेक्ट लिख दिया 7 पीरियड में होगी और ग्रुप नंबर 17 होगा। सर को ऐसे पूछता तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के दिखाओ पूरी। बेटा गारंटेड है, एग्जामिनर ना क्वेश्चन की वेटेज देता है, दैट मींस एक क्वेश्चन की वेटेज होती है एक नंबर की, एक क्वेश्चन की वेटेज होती है 3 नंबर की। तो जब वो 3 नंबर की वेटेज में यही बात पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ज्यादा पूछ रहा है ना। तो और जब वो 1 नंबर की वेटेज में पूछ रहा है तो इसका मतलब वो चाहता बस तुम किसी तरीके जैसे चाहो बता दो। और आंसर बताने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तरीका जैसे आपने ये कहा ना ये सॉल्व करके बताएंगे, दूसरा तरीका आपने जो बोला दैट इज 118 शार्प माइंड से 117, बिल्कुल सही है, यहां से ही बता सकते हैं। और तीसरा एक और तरीका होता है, या तो ब्रेन घुमाओ ऐसे क्वेश्चन में या गर्दन घुमाओ, आंसर मिल जाता है। समझ में आया? आगे वाली कॉपी झाग ले, अबे आंसर लिख, जो क्वेश्चन पूछा है वैसे बता, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में लिखा होगा, अगर लिखा है एक्सप्लेन दिस तो पूरा बताना, अगर लिखा है व्हाट इज ग्रुप नंबर ऑफ दिस, व्हाट इज पीरियड नंबर ऑफ दिस, तो वो लिख देना, और उसने अगर एक्सप्लेन लिखा आगे तो एक्सप्लेन कर देना। पॉइंट समझो, आप लड़ सकते हो जाके टीचर से जब वो ये कहे कि भैया मैंने क्या पूछा था, व्हाट इज ग्रुप नंबर पीरियड नंबर, लिख तो दिया और क्या चाहते, तुमने कहाँ लिखा कि कैसे लिखना, और फिर क्वेश्चन की वैल्यू देख लो कि मतलब वेटेज कितनी है। बाकी ये मान के चलो सीबीएसई बोर्ड में यूजुअली अभी तक का जो जनरल है वो 11th का टीचर यूजुअली वो आपको फेल करने के लिए बैठा है, यूजुअली कह रहा हूं, हर स्कूल में नहीं। वो क्या कहता है ना, जब तुम डायरेक्ट आंसर लिख दोगे काट देगा और कहेगा कि स्टेप्स कहां है, कहां लिखा, पीछे के स्टेप्स कौन बताएगा, और जब तुम पूरे स्टेप्स लिख के फाइनल लिखोगे और बाई चांस जरा सी मिस्टेक हो गई फिर काट देगा।
और तुम कहोगे सर सारे स्टेप्स तो लिखे हैं, कुछ नंबर तो मिलने चाहिए। पूछा क्या है, ये कोई डांस चल रहा है, स्टेप के नंबर मिलेंगे, डांस है डांस, घर जाओ। मतलब आपको एक्यूरेसी लेवल अपना अचीव रखना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, 11th स्टैंडर्ड में इस बार तो ऑनलाइन ऑफलाइन का नाटक है, नहीं तो मैं बार बार बताता हूँ इसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो ओवरकम करनी है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन के मार्क्स देखने हैं, उस हिसाब से काम कर देना, ठीक है। चलो भैया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में ग्रुप जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, NS122। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NP126। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या हुआ, ग्रुप नंबर 1 और 2। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होगा, 13 to 18। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, मतलब एस में 1 है तो 1, एस में 2 है तो 2, और पी ब्लॉक में पी के इलेक्ट्रॉन प्लस 12, ये पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर का तरीका है। पीरियड नंबर में कोई नई ताजी नहीं है, पीरियड नंबर दोनों का ही आउटर मोस्ट जो एन होता है वही है। एस और पी दो निपट गए हैं। किसी को डाउट है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, जल्दी जल्दी पूछो पूछो, कोई डाउट नहीं है। विजय को, श्रेया को, दो बच्चों को डाउट नहीं। अबे वन लिख दो, नहीं दो, ठीक है, वेरी गुड, चार बच्चों ने लिख दिया। अब मैं बाकियों का नाम लेके पूछता हूँ, भैया क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम शिफ्ट होते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। डी ब्लॉक, दादा का ब्लॉक है, दादा का ब्लॉक डी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ सारे दादा टाइप के लोग रहते हैं, सबसे पहले थे सुपीरियर लोग एस ब्लॉक, फिर आया पागलों का ब्लॉक पी ब्लॉक, अब आ रहा दादा लोगों का ब्लॉक है, मुंडे मवाली टाइप के लोग रहते हैं, आयरन भायरन लोअर फेंक के मारते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक, ऑल आर ट्रांजिशन मेटल्स। अब इसके ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, क्या है, तो पहला है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D1210 और NS122। तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उसमें क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन है आपके कोर्स में, इंपॉर्टेंट भी है, उसमें एस में वन भी हो जाता है कभी कभी, अदरवाइज टू ही रहेगा। और आउटर से पहले वाला डी, जैसे 4s था तो पिछला 3d था, तो 3d में 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। पहले वही हमारा हर बारी का तरीका, पिक्चर। अब कि मुझे डी ब्लॉक पढ़ाना है तो मैंने डी ब्लॉक को ज्यादा हाईलाइट किया है, और इस डी ब्लॉक में ये है ग्रुप नंबर 3, ये है ग्रुप नंबर 12। इट इज अ कॉमन सेंस, 1 2 वो था, 13 18 ये है, तो 3 से 12 ही तो बचा, 1 2, ये यार 1 and 2 है ना, और ये 13 से 18 नाउ 3 से 12 बीच में है, ये डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक का जब भी ग्रुप नंबर आएगा वो आएगा 3 to 12। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, जैसे मैंने आपको यहां बताया था, जब ये 13 लिखते थे तो पी में 1 आता था, और 18 लिखते थे तो पी में 6, मतलब पी सबशेल भरी जाएगी 1 से 6 तक। यहां एस सबशेल भरी जाएगी S1 S2, अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, डी में 10 भरे जाएंगे, यहां डी में 1 होगा और यहां डी में 10 होगा, तो ये डी में 1 से लेके 10 है ग्रुप नंबर। सोचो डी में 1 है ग्रुप नंबर 3 है, डी में 10 है ग्रुप नंबर 12 है, तो 2 2 ऐड होता हुआ लग रहा है, बट बी मोर एक्यूरेट क्योंकि यहां पे 4s में एक बारी 1 भी आ जाता ना, इसलिए। तो यहां के ग्रुप नंबर का बेसिक फंडा क्या दिया गया है कि आउटर मोस्ट s और आउटर मोस्ट से पहले वाले d, इनके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, आउटर मोस्ट s और उससे पहले वाले d, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, यहां से ग्रुप नंबर आएगा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बेटा ये मैंने लिखा, लेट सपोज सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 21। बेटा कॉन्फ़िगरेशन ये वाले ही समझने की कोशिश करो, आर्गन लिखते ही 18 तक का नाटक खत्म, फिर हमने लिखना है 4s2 और फिर लिखना है 3d1। तो ये भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां आया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया तो डी ब्लॉक हो गया, गुड। अब डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 है, तो भैया यहां का पहली चीज ब्लॉक लिखते हैं, हमेशा हमेशा पहले ब्लॉक लिखना, गलती नहीं होगी, दादा का ब्लॉक है
डी ब्लॉक है, दादा का ब्लॉक है तो बढ़िया रुक जाना, क्योंकि दादा के ब्लॉक में सबसे ज्यादा गलती होती है, डी ब्लॉक में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी डी ब्लॉक आए थोड़ा सोच लेना, दादा का ब्लॉक है, लोहा लेकर मारता आयरन है इसमें और डंकी बन जाओगे, नहीं तो डी फॉर डंकी। अच्छा अब इसका पीरियड नंबर क्या है बेटा? इसका पीरियड नंबर होता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ एक थ्री है और एक फोर है। अरे भैया पीरियड नंबर मतलब शेल नंबर, शेल तो एक थर्ड शेल है एक फोर्थ शेल है, तो थर्ड शेल और फोर्थ शेल में फोर बड़ी है, फोर लिखा जाएगा। मतलब डी के साथ जो शेल नंबर है वो नहीं, एस के साथ जो शेल नंबर है बड़े वाले एस के साथ वो लिखा जाएगा शेल नंबर। हाँ मैंने मैक्सिमम कहा कहीं बाद में अभी थ्री डी सेवन बोला तो बोले पीरियड नंबर सेवन, अच्छा थ्री डी टेन बोले पीरियड नंबर टेन, बोले क्यों? बोले मैक्सिमम नंबर। अरे भैया इसका भी मैक्सिमम नहीं चलना तो पीरियड तो ऐसे आएगा। हाँ भैया ग्रुप नंबर कैसे करना है? इन दोनों को ऐड करना है, वन और टू ऐड करके थ्री आया तो ग्रुप नंबर थ्री आ गया। अब एक आध बच्चा कह सकता है हर भाई टू ही ऐड कर देते यार जरा आसान रह जाता, लेकिन नहीं। जैसे कॉपर है, आई होप सो आपको याद हो, कॉपर 29 होता है और ये 4s1 3d10 होता है, आई होप सो। एक्सेप्शन है दोनों कॉपर एंड क्रोमियम, इसलिए याद हो। हाँ भैया बोलो, भैया बोलो बोलो बोलो। यहाँ पीरियड पहले ब्लॉक लिखा करिए हमेशा, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, ब्लॉक डी हो गया, पीरियड फोर्थ हो गया क्योंकि ये नंबर फोर है, ग्रुप 11। तो डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ग्रुप तो 11 है, तो अब तो दो नहीं ऐड किए तो खाली एस वाले इलेक्ट्रॉन ऐड किए। तो मैंने इसीलिए अगर आपको ध्यान हो थोड़ी पीछे जगह छोड़ी है, आ जाओ भैया नीचे और नीचे आ जाओ। यस अब बताओ यहां डी ब्लॉक की एंट्रीज खुद कर लोगे? एस पी डी पहली एंट्री मैं कर देता हूं भैया, कॉन्फिगरेशन n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2। आखिरी से पहले वाले डी में 1 से लेकर 10 तक कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और ns1 to 2 और ग्रुप, इसका ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है। ग्रुप नंबर निकालने का पैतरा या फॉर्मूला, एन एस के इलेक्ट्रॉन और n-1 डी के इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ग्रुप आएगा, पीरियड नंबर ये रहेगा। डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बन लिख दो भाई, कोई डाउट है तो कुछ लिख दो भाई। गुड वेरी गुड, ठीक है। तीन चार बच्चों को तो मैसेज आ गया है और बाकियों का आ रहा है, ठीक। तो एस पी डी इन तीन की प्रैक्टिस करिए आज आप, वैसे एक चौथा और है लेकिन उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बस रोक लिया कि कल मैं इन तीन के क्वेश्चन दूंगा आपको, कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले इन तीन के क्वेश्चन दूंगा उसके बाद शुरू करें, ठीक है। चलिए आज इतने रखते हैं, हैव ए नाइस डे। बोलो बेटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। बैच में पूछ लूंगा, किस वाले बैच में बोल दो, अभी तक उस बैच का कोई दावेदार है ही नहीं। बोलो आज किसी, बेटा आप लोगों को एक दिन पहले मैसेज करना पड़ेगा, एक बार सुन लो बेटा सारे बच्चे। एक्चुअली क्या है, उस बैच को मैं उसी दिन ऑनलाइन आऊंगा जिस दिन मेरे पास कोई मैटर होगा, कोई पहले मेरे को भेजेगा डाउट, तो मैं सबको बता दूंगा ये डाउट डिस्कस होना है। ऐसा थोड़ी है कि 5 से 6 दुकान खुल गई या कोई ग्राहक आएगा तो सामान बेचूंगा, ऐसा नहीं है। आप मुझे एक दिन पहले मॉर्निंग तक भेजेंगे ये टॉपिक है आज के, फिर मैं ग्रुप में डालूंगा ये टॉपिक है, फिर उस टॉपिक में जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो सारे आ सकते हैं, है ना। ये नहीं होगा कि हमारा डाउट है और हम एकदम से उसी बैच में आए, क्या पता क्या पूछ लो, मुझे आता हो ना आता हो बेइज्जती हो जाएगी ना। अच्छा नहीं, पहले बताओगे? हाँ पहले बताओगे सभी बैच में अलाउड। बाय बाय बाय, थैंक यू सर। नमस्ते। ओके बेटा, नमस्ते बेटा, पूछ लिए विजय, पूछ लिए अभी एक मिनट बाद।